बलूचिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हफिजा कवर। सबसे पहले मशहूर हेडलाइन। अरकान असेंबली को सेनेट उम्मीदवारों के हतमी ऐलान तक सेनेट उम्मीदवारों की तजवीज़ तायीद के अमल को रोक दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीजाब कमाल खान। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमत और पीडीएम में शामिल जमायतों ने अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए रबते शुरू कर दिए। दुबई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीज़ाउल्लाह लांगो ने डिप्टी कमिश्नर क्वेटा मेजर जनरल रिटायर्ड औरंगजेब बादिनी के हमरा सीएमएच अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल क्वेटा का दौरा किया। हुकूमतों को अपनी कोताहियों का पता चलता है, अवाम के नुमाइंदे हम करते हैं, लेकिन अवाम की तर्जुमानी मीडिया करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीजाब कमाल खान। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड वज़ीर असगर की ज़ेर सदारत अपने अवाम के हवाले से एक आला सदा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गुज़श्ता रोज क्वेटा और सिबी में रूनुमा होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर बरहमी का इज़हार किया गया। ट्रैफिक हादसात का तसलसल अभी बरकरार। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी और चार अफराद जान बहक हो गए। अब खबरें तफ़सील के साथ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीजाम कमाल खान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान असेंबली को सेनेट उम्मीदवारों के हतमी ऐलान तक सेनेट उम्मीदवारों की तजवीज़ तायीद के अमल को रोक दिया। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार के इंटरव्यू करने के लिए तीन कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इत्तेहादी जमायतों से सेनेट इंतखाबात के हवाले से तफसीलात लेने के लिए भी छः रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए हुकूमत और पीडीएम में शामिल जमायतों ने अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए रबते शुरू कर दिए हैं। मरकजी सतह पर अवामी नेशनल पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद होने के नाते मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेट इंतखाबात में सबसे बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगी। सेनेट में मजमूई तौर पर तादाद 12 हो जाएगी। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर्ज़ाउल्लाह लांगो ने डिप्टी कमिश्नर क्वेटा मेजर रिटायर्ड औरंगजेब बादिनी की हमरा सीएमएच अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर सिविल हस्पताल का दौरा किया। हस्पताल के दौरे के मौके पर क्वेटा और सिबी बम धमाके में जख्मी होने वाले अफराद के फर्दन फर्दन इयादत की और इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीजाम कमाल खान ने कहा है कि मतवाजन सहाफत के जरिए हुकूमतों को अपनी कोताहियों का पता चलता है, अवाम की नुमाइंदगी हम करते हैं, लेकिन अवाम की तर्जुमानी मीडिया करता है। बेहतरीन मीडिया वही है जो कोताहियों की निशानदेही करे और मस्बत कामों का प्रचार करे। मीडिया का मतवाजन किरदार किसी भी माशरे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मीडिया के मतवाजन किरदार से जहाँ हुकूमत को अपनी कोताहियों और गलतियों के बारे में पता चलता है, वहीं अच्छे और मजबूत कामों को भी दुनिया के सामने लाने का मौका मिलता है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर की जेर सदारत अमन अमान के हवाले से एक आला सदा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आईजी पुलिस कमिश्नर क्वेटा सीसीपीओ क्वेटा डीसी क्वेटा और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़श्ता रोज़ क्वेटा और सिबी में रूनुमा होने वाले नाखुशगवार वाक़े पर बरहमी का इजहार किया और सख्ती से हिदायत की कि इन वाक़ात में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा इस तर्ज के नाखुशगवार वाक़ात से बचा जा सके। डेरा इस्माइल खान कौमी शाहरा संगर के मकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी पुल से टकरा जाने के बायस चार अफराद जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद से क्वेटा जाने वाली टूडी गाड़ी शिरानी के इलाके संगर के मकाम पर पुल से टकराने के बायस दो अफराद मौके पर जान बहक हो गए, जबकि दो जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा था, जो जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक अपराध का ताल्लुक पशीन क्वेटा और आज़ाद कश्मीर से बताया जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे पर एक दिन में 5 हादसात के बायस 20 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मकरान कोस्टल हाईवे के मरम्मत पर मामूर एचआर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ लेवीज और पुलिस थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट इंचार्ज को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जो जमानत पर छूट गया, जबकि कंपनी के मालिक ने कबल इस गिरफ्तारी जमानत करवा ली थी। दोनों के खिलाफ केस सेशन कोर्ट गवादर में अंडर ट्रायल हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashreq.com.pk।